यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला। तब मैंने याजन्याह जो हबसीन्याह का पोता और यर्मयाह का पुत्र था और उसके भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया और मैं उनको परमेश्वर के भवन में इग्दल्याह के पुत्र हानान जो परमेश्वर का एक जन था उसकी कोठरी में ले आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासीहा की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, न हम और न हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीते हैं और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं में ही रह करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बाबुल के राजा नबूखदनेज़र ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कश्तियों और आरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाए। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से यह कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी, तुम दाखमधु न पीना, सो तो मानी गई है। यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजा आया हूं कि अपनी बुरी चाल चलन से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है कि देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालूंगा, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। और रेकाबियों के घराने से यर्मयाह ने ये कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे।